बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के लिए हमें कुछ टॉपिक्स को रिव्यू करना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक है द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। आर क्यूब में या आर पावर थ्री में अगर हमको वेक्टर लेते हैं तो आपको पता है कि वो उसके थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग नॉर्मली जब मैट्रिसेस में वेक्टर्स को शो करते हैं तो वो कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे सपोज हमारे पास पहला कॉलम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा दूसरे को, और तीसरा वाला तीसरे को। अब कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि पहले हमें देखना होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर कौन कौन से। वैक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब वैक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, या एक दूसरे के मल्टीपल के तौर पर ना लिखे जा सकें, या एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर ना लिखे जा सकें। अब यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, ये तीनों के तीनों वेक्टर एक ही वेक्टर के मल्टीपल्स हैं। आप चेक करें कि इसको थ्री से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाता है, इसको पहले वाले को एट से मल्टीप्लाई करें उसमें हमारे पास ये वेक्टर आ जाता है। तो बेसिकली ये एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, यहाँ पर दो तीन चार नहीं है, ठीक है जी। अब मैट्रिक्स में वेक्टर तीन ही हैं, लेकिन इनमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं वो कौन से हैं? वो सिर्फ एक है। जब आप इसकी एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा? आप पहली वाली रो को यूज़ करके बाकी तो पहले वाले कॉलम को यूज़ करके बाकी दोनों कॉलम्स को ज़ीरो बना सकते हैं। सी टू में से आप माइनस कर दें टू सी वन थ्री सी वन, और सी थ्री में से माइनस कर दें एट सी वन, तो क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो रैंक हमें बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपके इस मैट्रिक्स में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक वेक्टर है। अब इस मैट्रिक्स की जो कॉलम स्पेस है हम उसकी बात करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं वो जनरेट करेंगे इस मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस को। अब यहाँ पर जस्ट एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर है, तो हमें हमारे पास जो कॉलम स्पेस है उसमें जस्ट एक ही वैक्टर पड़ा होगा, सॉरी एक वैक्टर नहीं पड़ा होगा, इस एक वेक्टर से ही सारे के सारे वेक्टर जनरेट करेंगे, ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं हम कि ये हमारे पास वेक्टर कोई v है। सपोज़ हमारे पास ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर हमारे पास 1 1 1 है, ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज़, ठीक है। तो इसी के जो मल्टीपल्स हैं सारे के सारे स्पेस को जनरेट करेंगे। तो ये वेक्टर v था, हम इसको अगर 2v ले लें तो वो भी हमारे पास इस स्पेस को जनरेट, वो भी इस स्पेस का हिस्सा होगा। इस वेक्टर के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे इस मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस का हिस्सा होंगे, ठीक है। अगर ये v है तो 2v इसको डबल कर लें, 3v इसको ट्रिपल कर लें, 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन को कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो उसका फ़र्क पड़ता जाएगा, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। या आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका मैग्नीट्यूड हाफ रह जाएगी, 0.25 से मल्टीप्लाई कर लें 1/4 रह जाएगी, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप ज़ीरो के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे इसकी मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। और उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो रियल नंबर्स है, जो फील्ड है वो रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर में आपको पता है कि नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हैं। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को नीचे को हो जाएगी, -2 से फिर नीचे को, उससे बड़ा हो जाएगा, -3 उससे बड़ा हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमारे पास इस मैट्रिक्स की जो कॉलम स्पेस है वो जस्ट एक लाइन है, ठीक है। लाइन कैसे है? जैसे आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो वो लाइन इधर को बढ़ती जा रही है। जब आप -1 -2 -3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो वो इस साइड को बढ़ती जा रही है। तो ये एक इन्फिनिट लाइन है इस मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस, ठीक है जी। जैसे आपने चेक ये करना होता है कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं, उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप उसकी ये चरण फॉर्म बनाएं, उसका जो रैंक है वो आपको बता देगा कितने हैं। जो नॉन ज़ीरो वैक्टर्स हैं वो होंगे उसके कॉलम स्पेस के जनरेट कर बेसिस में। अगली एग्जांपल चेक करें तो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, ये हमारे पास पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये तीसरा वेक्टर है। अब पहले और दूसरे को तो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के मल्टीपल के तौर पर नहीं लिखे जा सकते। मैं इस वेक्टर को जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करूँ, मैं ये वाला वेक्टर हासिल नहीं कर सकता। सिमिलरली मैं इस वेक्टर को जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करूँ, मैं ये वाला वेक्टर हासिल नहीं कर सकता। तो ये दो वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जो थर्ड है इसमें कुछ
गड़बड़ा गौर करें। ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये जो थर्ड वेक्टर है ये डिपेंड कर रहा है इन दोनों वेक्टर्स पे। कैसे? ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी इन दोनों को आप ऐड करते हैं। सपोज इसको v1 करें, इसको v2 करें, तो 1v1 प्लस 1v2 यानी v1 प्लस v2 क्या बन रहा है आपके पास? ये वाला वेक्टर बन रहा है v3, यानी v3 डिपेंड कर रहा है दोनों पे, v1 पे भी और v2 पे भी। चेक करें, ये ऐड करने से ये हमारे पास ये वेक्टर आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस वेक्टर के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है वो जस्ट के दो हैं। इसको जब आप रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बनाएंगे इसकी, तो क्या होगा, इसके सिर्फ ये दो कॉलम्स नॉन ज़ीरो बचेंगे, ये थर्ड कॉलम जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। अब क्वेश्चन इज कैसे ज़ीरो हो जाएगा? आप इसमें से पहले C2 माइनस कर दें, फिर C3 में से C1 माइनस कर दें, तो ये वाला कॉलम ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ या नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो कॉलम्स जो हैं वो होता है हमारे पास एचलन फॉर्म, सॉरी वो होता है रैंक। तो इसका रैंक कितना आ रहा है? 2। इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स कितने हैं? जस्ट 2 हैं। अब सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास ये जो पहला वाला वेक्टर है ये वाला है, और दूसरा वाला वेक्टर है वो ये वाला। अब ये जो पहला वेक्टर है इसके सारे के सारे मल्टीपल्स भी इसमें पड़े होंगे, ठीक है? यानी इस वेक्टर को लंबा करते जाएं इस साइड को और इस साइड को, तो ये पूरी लाइन इस पर जितने भी वैक्टर लाए करेंगे वो सारे के सारे ये वैक्टर जनरेट कर रहा है। सिमिलरली ये वाला जो वैक्टर है, जो सपोज़ इसको v2 कह लें, तो इसके भी जितने मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे पड़े होंगे, तो यहाँ पे भी एक लाइन आ जाएगी जो जिसके सारे वेक्टर्स को ये जनरेट कर रहा है, जस्ट ये, ठीक है? उसके बाद अब ये दोनों वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन भी तो पड़े होंगे ना स्पेस में, जो इस मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस है उसमें इन दोनों वेक्टर्स के या इन दोनों कॉलम्स के कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशंस भी पड़े होंगे। सपोज़ इसको अगर आपने v1 कहा है, तो आप v1 प्लस v2, v1 प्लस 2v2, v1 प्लस 3v2, v1 प्लस 4v2 एंड सो ऑन, इस तरह के सारे। सिमिलरली आप v2 को फिक्स कर लें, उसके बाद आप सपोज v1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2v1 प्लस v2, 2v1 प्लस 2v2, 2v1 प्लस 3v2, 2v1 प्लस 4v2 एंड सो ऑन, इन्फिनिट वेक्टर्स आ जाएंगे आपके पास। इसी तरह इसको आप फिक्स कर लें, तो v1 प्लस v2, 2v1 प्लस v2, 3v1 प्लस v2 एंड सो ऑन, इस तरह के यानी जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे भी इस मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस में होंगे। और वो कहाँ पे होंगे? वो जो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये जो पोर्शन है इसको फिलअप करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये जो हमारे पास इसका रैंक 2 है, तो ये पूरा का पूरा आर क्यूब जनरेट नहीं करता, जैसे हमने ये देखा था कि ये इसके रैंक 1 है, तो ये जस्ट एक लाइन को प्रोड्यूस कर रहा है। और लेकिन आर क्यूब में तो आपको पता है एक लाइन नहीं है, आर क्यूब पूरा का पूरा स्पेस है 3 डायमेंशनल, तो उसमें जस्ट एक लाइन नहीं, ये सब स्पेस है किसकी? आर क्यूब की, जस्ट एक लाइन। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये क्या जनरेट कर रहा है कि आपके पास दो वैक्टर्स हैं और उन वैक्टर्स के दरमियान का सारा एरिया, मैं वॉल्यूम नहीं कह रहा, एरिया कह रहा हूँ, तो ये बेसिकली आपको एक प्लेन जनरेट कर रहा है, ठीक है, जो कि आर क्यूब का हिस्सा है, लेकिन पूरा का पूरा आर क्यूब ये जनरेट नहीं करता, ठीक है जी। रैंक इसका 2 है, तो ये क्या होगा? 2 डायमेंशनल स्पेस को जनरेट करेगा, जो कि आपको पता है कि एक प्लेन होती है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल नेचुरल बेसिस से ले लिए, हमारे पास ये तीन वेक्टर हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। जैसे आप पहले वाले के मल्टीपल में दूसरे को नहीं लिख सकते, दूसरे के मल्टीपल में तीसरे को नहीं लिख सकते, इसी तरह इन दोनों के कॉम्बिनेशन में तीसरा नहीं लिखा जा सकता। तो ये तीनों के तीनों वैक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इसका जो रैंक है वो कितना है? 3 है। आप इसके एचलन फॉर्म बनाएंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, इसको 5 पे, इसको 7 पे, तो ये 100010 और 001, तो तीनों के तीनों रोज या तीनों के तीनों कॉलम्स जो हैं आपके पास वो क्या हैं? नॉन ज़ीरो हैं। हमने कहा था कि एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो नॉन ज़ीरो कॉलम या नॉन ज़ीरो रो होती है। तो तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारे पास रैंक क्या आ रहा है? 3। अब हमारे पास जो पहला वाला वैक्टर है सपोज़ 2, वो ये है, दूसरा वाला वैक्टर जो है 050, तो सपोज़ कर लें वो ये है। जैसे आपको IJK में बताया था, तो ये जस्ट 2i है, 2i आपको पता है x एक्सिस के लॉन्ग, ये 5J है तो ये y एक्सिस के लॉन्ग, और ये 7K है तो ये z एक्सिस, और ये z एक्सिस आपको पता है ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये इस तरह से टिल्ट नहीं है,
इसी के ऊपर ये सपोज परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया जी। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये आपका पूरा का पूरा आर क्यूब जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस को जनरेट करेंगे। कौन सी वाली? सारी की सारी आर क्यूब को ये जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम स्पेस है वो क्या है? आर क्यूब। पिछली वाली एग्जांपल में हमारे पास कॉलम स्पेस क्या थी? एक प्लेन थी, और उससे पिछली एग्जांपल में कॉलम स्पेस जस्ट एक लाइन थी। तो आपको पता चल गया कि किसी मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस क्या होती है, उसके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारा का सारा रिप्रेजेंट करता है, वो सारी की सारी कहलाती है। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हैं उनको अगर आप एक सेट में इकट्ठा कर लें तो उस सेट को कहा जाता है कॉलम स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीस्ट स्क्वेयर्स सॉल्यूशंस। ये क्या होता है? चैप्टर फोर में हमने ये बात देखी थी कि एक एम बाई एन जो लीनियर सिस्टम है, ए एक्स इक्वल टू बी, हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी। इनकंसिस्टेंट होता है जब इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कंसिस्टेंट होता है जब सॉल्यूशन कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है, कोई सा भी एग्जिस्ट करे, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। लेकिन अगर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो हम कहते हैं ये इनकंसिस्टेंट है। और एक थ्योरम में हमने ये शो किया था कि ए एक्स इक्वल टू बी कंसिस्टेंट तब होता है जब इफ़ एंड ओनली इफ बी बिलोंग्स टू द कॉलम स्पेस ऑफ ए। कि ये जो बी है ये इस ए की कॉलम स्पेस का मेंबर हो, ये इस बात का क्या मतलब है कि ए के अंदर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में ये बी लिखा जा सके, या उन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन से बी जनरेट हो रहा हो, ठीक हो गया जी। इक्विवेलेंटली ए एक्स इक्वल टू बी इज इनकन्सिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ बी इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। कि अगर इसके कॉलम स्पेस में बी नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि यह सिस्टम क्या है? इनकन्सिस्टेंट है। तो इनकन्सिस्टेंट जो है वो उसका सोल्यूशन कोई नहीं होता। लेकिन ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे रियल लाइफ के इसके तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो इनकन्सिस्टेंट होते हैं उनका सोल्यूशन हम कह देते हैं कि वो नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन हमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे सिचुएशन में हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ जाता है जिसको हमने डील करना पड़ जाता है। हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज करने से मुराद ये है कि हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बजाय अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने की तरफ चले जाते हैं। आवर अप्रोच इज टू चेंज द प्रॉब्लम सो दैट वी डू नॉट रिक्वायर द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी सेटिस्फाइड। कि अगर आप इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर आप इसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो इसको एग्जैक्टली सेटिस्फाई तो नहीं करेगा लेकिन नियर, बहुत ज़्यादा नियर होगा इसके। इंस्टेड वी सी के वेक्टर एक्स कैप इन आर एन सच दैट ए एक्स कैप इज एज क्लोज टू बी। कि यहाँ पे आप एक ऐसा वेक्टर फाइंड कर लेते हैं एक्स कैप कि उसको जब आप रिप्लेस करते हैं तो ये ए एक्स जो है ये बी के बहुत बहुत क्लोज हो जाता है। इक्वल तो नहीं आ जाता दोनों, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, एज क्लोज एज पॉसिबल, जितनी हमें हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है। इफ़ डब्ल्यू इज़ द कॉलम स्पेस ऑफ ए, हमने देखा था पिछली अभी एग्जाम्पल्स में कि जो ए है वो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा आर एन या आर क्यूब जो उन सब भी हमारी स्पेस है वो जनरेट करे, उसका कुछ पोर्शन जनरेट करता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो स्पेस जनरेट कर रहा है वो डब्ल्यू है। देन फ्रॉम अ थ्योरम इट फॉलोज दैट द वैक्टर इन डब्ल्यू दैट इज क्लोजेस्ट टू बी इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन डब्ल्यू। इसको मैं आगे फिगर से समझा देता हूँ आपको इस बात का क्या मतलब है। ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास वेक्टर वी है। अब चूंकि वेक्टर वी इस स्पेस का हिस्सा नहीं है लिहाजा वो इस स्पेस के पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन इस स्पेस के अंदर आने के लिए इस स्पेस के पैरेलल होना ज़रूरी था। क्योंकि बी इस स्पेस का हिस्सा नहीं है तो वे इस स्पेस का पैरेलल नहीं होगा। सो सपोज वो कोई एंगल बना रहा है इस तरह से, और बी का प्रोजेक्शन क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है कि इस स्पेस के अंदर जो वेक्टर है जो बी का प्रोजेक्शन, यानी कि बी से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जो बी के फुट से लेकर इसके परपेंडिकुलर के फुट तक का जो वेक्टर बनेगा वो प्रोजेक्शन होगा किसका? बी का, ऑन दिस स्पेस डब्ल्यू, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्शन है ये नियरेस्ट होगा किससे? बी से, क्योंकि आप कोई और वेक्टर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो वो बी के नियरेस्ट नहीं है, और बी का फुट क्योंकि इसके बिल्कुल पास है इसलिए बी का प्रोजेक्शन जो है वो नियरेस्ट है किससे? बी के।
क्लोजेस्ट टू बी इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ओन डब्ल्यू, दैट इज बी माइनस डब्ल्यू नॉर्म। नॉर्म क्या है ये, इसका ये बी माइनस डब्ल्यू से हमारे पास कोई ना कोई वैक्टर बनेगा। जैसे ये बी है और ये डब्ल्यू, हमने कहा है कि ये प्रोजेक्शन है बी का, उसको हमने डब्ल्यू कहा हुआ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास ये वाला वैक्टर है, ठीक है जी। इस वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस है किसका, इस वैक्टर का और इस प्रोजेक्शन का। तो हम क्या कह रहे हैं कि वेक्टर का और उसके प्रोजेक्शन का जो डिस्टेंस है, जो उसका नॉर्म है या जो उसका मैग्नीट्यूड जिसे हम कहते हैं, इज़ मिनिमाइज्ड, कि जितना कम से कम हो सकता है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस वो हम कोशिश कर लेते हैं कि वो हो जाए। एंड W इज़ इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी और ओवर W, कि ये इस वेक्टर को हमने कहा ये W है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, जो मिनिमाइज हो जाए। Thus, if we find x cap such that a x cap is equal to projection of b on w, then we are assured that b minus a x cap magnitude या norm will be as small as possible, कि इन दोनों का ये सिस्टम जो हम फाइंड करने जा रहे हैं सोल्यूशन, और जो आपके पास b दिया हुआ जो एग्जैक्ट सोल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कम होने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत नज़दीक हो जाएंगे लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहे। एज शोन इन द प्रूफ ऑफ अ थ्योरम दैट बी माइनस प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन डब्ल्यू इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स कैप, ठीक है। ये थ्योरम आपको नहीं पढ़ाया गया लेकिन जस्ट रेफरेंस हमने दे रहे हैं कि बी माइनस प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन डब्ल्यू इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स कैप, ये क्या है, ऑर्थोगोनल टू एवरी वैक्टर इन डब्ल्यू। ये बात क्या हो रही है, जस्ट ये हमारे पास बी है, हम क्या कह रहे हैं बी माइनस प्रोजेक्शन ऑफ बी, ये बी है और ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आएगा, वो ये वाला वैक्टर बनेगा, ठीक है जी। और ये वेक्टर आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है इस स्पेस में, जितने भी वेक्टर होंगे उस सब के ये परपेंडिकुलर है, पूरी प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, पूरी स्पेस का परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑर्थोगोनल को हम इस सब्जेक्ट में हम परपेंडिकुलर को क्या कह रहे हैं, ऑर्थोगोनल। तो ये जो वेक्टर आपके पास बन रहा है ये ऑर्थोगोनल है, हर वेक्टर W में जितने भी वेक्टर हैं उन सबसे ऑर्थोगोनल, सबके साथ परपेंडिकुलर है। इट देन फॉलोज दैट बी माइनस ए एक्स कैप इज ऑर्थोगोनल टू ईच कॉलम ऑफ ए। हमने क्या कहा था कि ये जो हमारे पास कैपिटल W है ये क्या है, कॉलम स्पेस है ए की, कि ए के जो कॉलम्स हैं वो जो स्पेस जनरेट कर रहे हैं वो ये है। अगर वो हर वैक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है वो ए के सारे कॉलम्स के साथ भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्टर हैं वो ए के कॉलम्स के साथ ही बने हुए हैं। ए के साथ ऑर्थोगोनल है, तो वो हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, वो क्या होता है कि जिसका ट्रांसपोज जो है वो ए का इन्वर्स हो। ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा अगर ए का ट्रांसपोज ही ए का इन्वर्स हो, यानी कि ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए एक्स कैप माइनस बी इज इक्वल टू नल वैक्टर, ठीक है। ए एक्स के साथ ये भी कोई वेक्टर बनेगा, बी भी हमने देखा है कॉलम वेक्टर है और इनका डिफरेंस भी कोई ना कोई वेक्टर होगा, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो वेक्टर नल वेक्टर हो, यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो नल वेक्टर के। ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ट्रांसपोज इंटू ए एक्स कैप ए ट्रांसपोज इंटू बी, और ये माइनस बी उधर जाके प्लस हो जाएगा। ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स कैप इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी, ठीक है। ए ट्रांसपोज इन टू ए क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा और हमारे पास जस्ट ये वेक्टर बचेगा एक्स कैप। एनी सोल्यूशन टू वन, इसको हमने कहा है ये इक्वेशन वन है, अगर इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करे या इसका जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन। जो हमने पढ़ना था कि लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन क्या होता है, वो क्या होता है, इस तरह के सिस्टम का सोल्यूशन जो है उसको हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन। टू द लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी, इन जनरल ए एक्स कैप इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम इसके नियरेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा नियर हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। इक्वेजन वन इज कॉल्ड नॉर्मल सिस्टम ऑफ इक्वेजन एसोसिएटेड विद ए एक्स इक्वल टू बी और सिंपली द नॉर्मल सिस्टम।
ऑब्जर्व दैट इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर अ लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन टू ए एक्स इक्वल टू बी इज जस्ट द यूजुअल सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में भी और इंटर में भी कि अगर इसका सोल्यूशन जब हम कहते हैं एग्जैक्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है जब ए नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर होगा तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो उसको हम क्या करेंगे बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर बी नॉन सिंगुलर नहीं, अगर सपोज ए नॉन सिंगुलर नहीं है सिंगुलर है यानी इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो उस फॉर्मेट में भी हम क्या करते हैं हम लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशंस ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं।